सच साहस सरोकार। नमस्कार, होली की शुभकामनाओं के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा आपका प्राइम टीवी में स्वागत करती हूँ। होली का त्योहार है और होली सुनते ही आंखों के सामने रंग और दिल में उमंग उमड़ने लगती है। याद आती है तो मथुरा वृंदावन की होली। होली बसंत ऋतु में मनाई जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ये पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली रंगों का और हंसी खुशी का त्योहार है। आज विश्व भर में इस त्योहार की धूम है और विश्व भर से लोग मथुरा वृंदावन की प्रसिद्ध होली देखने भारत आते हैं। होली सिर्फ रंगों का नहीं, प्रेम का भी त्योहार है। होली को लोग खास तरह से मनाते हैं। इस दिन से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, साथ ही लोग कई चीजों का ध्यान भी रखते हैं। तो इस रंगों भरे त्योहार पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए ये प्रेम का त्योहार, किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए और घर में सुख समृद्धि के लिए क्या करना चाहिए, होली का त्योहार किस तरह घोलेगा आपके जीवन में खुशियों के रंग, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य जितेंद्र जी महाराज जी, जो राम कथा के सरसवाचक हैं। आचार्य जी, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्योहार है, इसे रंगों का त्योहार कहते हैं, तो रंग खेलने की परंपरा कब से शुरू हुई, सबसे पहला सवाल। मैं जितेंद्र जी महाराज, मानस समृद्ध सेवा संस्थान का परमाध्यक्ष और साथ में राम कथा वाचक। किसी भी विशेष कार्यक्रम को, धार्मिक उत्सव को लेकर के किसी न किसी कथा से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले होली की बात हम करते हैं, क्योंकि होली का त्यौहार मना रहे हैं, तो साथ में होली की परंपरा। ये हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद भगवान श्री विष्णु का भक्त था। जिस समय से भगवान विष्णु का भक्त हुआ, उस क्षण से वो निरंतर भगवान विष्णु का नाम लेता था। लेकिन हिरण्यकश्यप को ये बात तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो कहता था, सदैव आप हमारा स्मरण करें, हमारा नाम लें, इससे मैं ही इस जगत का पिता हूँ। लेकिन उसे ये बात अच्छी नहीं लगी, वो निरंतर भगवान नारायण का। क्यों? क्योंकि पहले के समय में जब दैत्य भगवान को प्रसन्न करते थे तो हमेशा एक ही वरदान मांगते थे। वो वरदान सदैव यही था कि ये परमात्मा, मैं अमृत का वरदान प्राप्त कर लूं। लेकिन आज के समय में या देवताओं के समय में भी कोई अमर हो नहीं सकता था। परिणाम, जब कोई अमर नहीं हो सकता था तो करना क्या चाहिए? तो भगवान ने कहा, तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो हिरण्यकश्यप ने भगवान से ऐसा वरदान मांगा, कहा कि मां, न तो दिन में मरूं ना ही मैं रात में मरूं, ना मैं सुबह मरूं ना ही शाम को मरूं, मैं आपके द्वारा बनाई हुई किसी भी वस्तु से ना मरूं और साथ में आपके हाथों से भी ना मरूं। जब ऐसा वरदान मांगा तो वो जानते हो क्या जाना, वो जान गया मैं तो अमर हो गया। और जब मैं अमर हो गया तो परिणाम आप जानती हैं। उसने अपने बेटे को भगवान के नाम लेने पे अनेक बार कष्ट दिया, कभी उसे फेंक दिया तो कभी उसे जलाने का प्रयास किया, कभी जहर दिया। परिणाम स्वरूप जब इन सबसे हार गया तो उसे बंदी बना के कारागार में डाल दिया। एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका घर आई और होलिका को सारी बात हिरण्यकश्यप में बताई। तो होलिका को जैसे ही बात सुनी तो होलिका ने अपने भैया से कहा, भैया तू चिंता न कर, मैं प्रहलाद को मार दूंगी और तुझे प्रसन्न कर दूंगी, तू चिंता न कर। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक ब्रह्मा जी के द्वारा दी हुई चुंदरी है, वो चुंदरी को ओढ़ के मैं बैठूंगी, साथ में गोद में प्रहलाद को रखूंगी, मैं तो बच जाऊंगा, प्रहलाद जल करके मर जाएगा। तो वो समय आपका फागुन के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि का, तिथि के उसी पावन पर्व पे, चौराहे पे, जो चार कोने आपस में मिलते हैं उसी बीच चौराहे पे होलिका अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर के वो चुंदरी को होर करके बैठ गए। लेकिन जो भक्त है सदैव उस पर भगवान की कृपा बनी रहती है, अंतोगत वो चूना उड़ करके प्रहलाद पे आ गई और होलिका उसी स्थान पे जल करके भस्म हो गई और भगवान ने अपने भक्त को बचा लिया। अब परिणाम स्वरूप आप उसी दिन से हम सभी होली का त्यौहार मनाना प्रारंभ कर दिए। होली के विशेष रंगों की जो आपने चर्चा हमसे की है, विशेष रंग निरंतर, ये भगवान कृष्ण के समय में जब भगवान कृष्ण राधा के साथ में और अपनी सभी सखी मंडली के साथ में जब होली का पर्व खेलने के लिए, उन्होंने अनेकानेक रंगों का प्रयोग किया और जिसमें सभी ने एक दूसरे को लगाया, उसी क्षण से होली का त्यौहार निरंतर मनाया जाने लगा। जी, तो कथा भी हो गई और साथ ही रंगों का भी पता चल गया कि श्री कृष्ण की समय से ही रंगों से होली खेली जाती है और मथुरा वृंदावन में फूलों की होली खेली जाती है। भगवान को फूल बड़े प्रिय है, तो जब लोग अपने घर में होली मनाते हैं
तो भगवान को कौन कौन से पुष्प अर्पित करने चाहिए, भगवान के साथ कैसे होली खेलनी चाहिए? देखिए, भगवान के साथ में जो होली खेलने की आपने जो सबसे अच्छी बात कही, आज के समय में हमें प्रत्येक रंग का तो अच्छे से इस्तेमाल करना है। जैसे आजकल समाज में आप देखें अनेक अनेक प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, हमें ना तो भगवान को केमिकल का रंग प्रयोग करना है और ना ही हमें किसी अन्य व्यक्ति पे केमिकल के रंगों का प्रयोग करना है, जिसमें विशेष गुलाब के पुष्प, गेंदे के पुष्प और अगर संभवतः बन सके तो कमल का पुष्प तो सबसे अच्छा है, क्योंकि भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। उसके प्रकार से समाज में अनेकानेक प्रकार से आजकल तो बहुत अच्छे से सुगंधित पुष्प आते हैं, जिसमें सुगंध हो वही भगवान को अर्पित करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सुगंध भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। आजकल धूप बत्ती भी जलाओ, इत्र भी चढ़ाओ तो सुगंधित होना चाहिए, और भगवान को अगर गुलाल भी अर्पित करो, उन्हें लगाओ प्रेम से, वो भी सुगंधित होना चाहिए, क्योंकि सुगंधित चीज भगवान को अति प्रिय है। जी, होली के दिन हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। सुबह से उठ के ही लोग जो है तैयार होके घर से बाहर निकल जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ रंग गुलाल खेलने लग जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, होली की सुबह की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, पूरा दिन क्या कुछ करना चाहिए लोगों को? होली की जो शुरुआत, आपने सबसे अच्छी बात हमसे कही है, होली की शुरुआत सबसे पहले अपने घर से करनी चाहिए। स्नान करके, वंदन करके, भगवान को नमन करके, भगवान के साथ होली खेल के, भगवान को सुंदर सा गुलाल, सुंदर सा पुष्प और जो नाना प्रकार की चीज़ें जो घर में बनी है, गुजिया, पापड़ इत्यादि बहुत सी चीज़ें वस्तुएं, वो सभी भगवान को अर्पित करनी चाहिए। अर्पित करके उसके उपरांत अपने जो बड़े हैं घर में, अपने पिता माता, दादा दादी, अपने छोटे भाई बहन, सबसे प्रेम से मिलना चाहिए, सबको एक दूसरे को पहले टीका लगाना चाहिए, सबसे गले मिलना चाहिए। उसके उपरांत अपने घर के बाहर निकले तो घर के बाहर अपने ही मोहल्ले के कई ऐसे वृद्ध होंगे, ऐसे बड़े लोग होंगे, उन्हें सम्मानपूर्वक अच्छा से गुलाल लगाए, अच्छा से टीका लगाए, गले मिले, उनका आशीर्वाद ले। यदि आपसे बड़ा है कोई तो उनका आशीर्वाद ग्रहण करें, यदि आपसे कोई छोटा है तो उसे खूब सारा प्रेम करना चाहिए। प्रेम करने के बाद में आप चौराहों पे जाकर अपनी मस्ती के साथ में होली खेले। होली में कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिसकी वजह से आपके जीवन में कोई कष्ट उत्पन्न हो सके। जी, होली के दिन हमें कौन से देवी देवता को खुश करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे घर में सुख समृद्धि आए? देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं होलिका। आज के समय में सुख समृद्धि की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो जो होलिका जिस चौराहे पे जलाई जाती है, जिस स्थान पे, उस स्थान पे जाके उसका पूजन बहुत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। पूजन करने बाद कम से कम उसकी 3 परिक्रमा करनी चाहिए, अगर 3 से अधिक कर सकते हो तो 5 करें। परिक्रमा करने के बाद में होली की राख को अपने घर ला करके उसे अच्छे से रखनी चाहिए, क्योंकि उससे राख को लाने से अगर हो सके तो अपने घर में उसका छिड़काव करें, जिससे नकारात्मक ऊर्जा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है और उससे सकारात्मक ऊर्जा विस्तृत होती है। और इसमें अगर हो सके तो नारायण भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान श्री राम की पूजा करें और राधा कृष्ण भगवान की पूजा करें, जिससे सभी का जीवन सुखमय व्यतीत होगा। जी आचार्य जी, अगर बात करी जाए घर में सुख शांति की, तो वो तो आपने बता दिया कि भगवान को प्रसन्न करके हम लोग सुख समृद्धि पा सकते हैं। इसे प्रेम का त्योहार भी कहा जाता है, तो जीवन में प्रेम बना रहे और किन रंगों का चयन करें, इसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। देखिए, किसी भी धार्मिक उत्सव को ले लीजिए, सबसे बड़ा तो उत्सव है हमारा होली का उत्सव। होली का उत्सव जो इस बार हो रहा है, आज का दिन बड़ा ही पावन है, बड़ा ही सुंदर है, बहुत ही सुखद पूर्वक है। इस दिन हमें एक दूसरे के भाईचारे के साथ में प्रेम बढ़ाना चाहिए। कोशिश करें रंग बिरंगे कलरों का इस्तेमाल करें, जिसमें लाल, गुलाबी, हरा, नारंगी और संतरी रंग का प्रयोग अधिक करें, जिससे जब आप सामने वाले को लगाएंगे तो उसके चेहरे पे भी एक निखारपन आएगा और साथ में उससे भी आपसे आपके तालमेल अच्छे बनेंगे। क्यों? क्योंकि दिन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो शुक्रवार का दिन ही है, और आज के दिन अगर देखा जाए तो जुमे की नमाज भी अदा की जाती है। मुस्लिम पर्व भी अगर देखा जाए तो जुमे की नमाज निरंतर अदा होगी, और साथ में हिंदू धार्मिक त्यौहार के अनुसार हम सभी होली मनाएंगे। तो हम यही कहेंगे, निवेदन करेंगे सभी को, भाईचारे के साथ में इस त्यौहार को मस्ती पूर्वक व्यतीत करना चाहिए और जीवन में सुखद व्यवहार कर अपने को प्रसन्न करें और सामने वाले को भी प्रसन्नता के साथ उसे होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देनी चाहिए। जी, गृह नक्षत्र की बात करें तो वो किन राशि के जातकों पे सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रहे हैं, जो गृह नक्षत्र बन रहे हैं इस बार पे होली के दिन, तो उसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है सभी के जीवन पे? अगर विशेष हम ग्रह की राशियों के बारे में अगर बात करें तो मेष राशि, वृष राशि, मिथुन, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ में जो 12 राशियां सभी के जातक, क्यों? क्योंकि किसी भी कार्य की शुरुआत अच्छे समय से होती है। और आपको ऐसे बताएं, स्मरण करें कि ये त्यौहार पूर्णिमा के दिन होलिका दहन का है। होलिका दहन समाप्त होने के बाद दूसरा दिन जैसे जो पर्वाच मना रहे, इसे चैत्र कृष्ण पक्ष बोलते हैं, क्योंकि साल की शुरुआत भी चैत्र शुक्ल पक्ष के साथ में होती, परिवार के साथ में। तो शुरुआत
अगर कृष्ण पक्ष की करते तो किसी रंग बिरंगे त्योहार के साथ, और रंग बिरंगे की अगर शुरुआत करते तो वो है अपना होली का त्योहार। तो होली के त्योहार होने के साथ में सभी राशियों के में जातक में सदैव कल्याण ही कल्याण होगा, किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा किसी भी जातक पे होने वाली नहीं है। होली के दिन घर में किन चीजों को लाना चाहिए? खरीदारी भी लोग करते हैं होली खेलने के बाद, जब शाम को मेला लगता है लोग मेले जाते हैं, तो वहां से कौन कौन सी चीजें लानी चाहिए और कौन कौन सी चीजों को अवॉइड करना चाहिए? देखिए, सबसे अच्छी बात आपने प्रश्न किया है कि होली पे हमें क्या क्या चीजें घर में लानी चाहिए। हमें होली के त्योहार में सबसे अच्छी बात तो जो भी वस्तुएं हम लाएंगे वो सारी कलरफुल वस्तुएं होनी चाहिए। कोई भी ऐसी वस्तु जो नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती है उसे अपने घर में कदाचित नहीं लाना चाहिए, और ला करके घर में व्यवस्थित स्थान पर रख करके कोशिश करें जब भी हम उस घर चीज़ों को लाएं तो वो चीज़ें घर पे ला करके उसे पूजा स्थल पे रखें, और पूजा स्थल पे रख करके उसका पूजन करके फिर ही उसे ग्रहण करें, जिससे सभी के जीवन में सदैव कल्याण बना रहेगा। जी, नए कपड़ों का कितना महत्व रहता है हर त्योहार पे, और होली पे कितना महत्व रहता है? होली तो एक प्रेम का त्योहार है, जैसा कि आपने अभी बोला। बिल्कुल, प्रेम के त्योहार पे मैं अनेक प्रकार से जो भी कलरफुल कपड़े का मैं बाबा कलरफुल शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जितना कलरफुल हम पहनेंगे उतना ही जीवन में हमारे पॉजिटिव एनर्जी बनी रही। लोग आजकल ब्लैक और नीले कपड़े का बहुत प्रयोग करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कलरफुल पहने सभी को पहनना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई भी त्यौहार ऐसा नहीं है जो फीका हो। हर त्यौहार में कुछ ना कुछ नई नई स्टोरी है, नई नई कहानियां है, नहीं नहीं मस्ती है। तो मैं भी कहूंगा सबसे, चाहे वो छोटा बालक हो, बड़ा हो, वृद्ध जन हो या युवा हो, सभी कलरफुल कपड़े पहने अच्छी अच्छी चीजों के साथ में अच्छे से त्योहार को संपन्न करें, उसी में सभी का कल्याण है। जी आचार्य जी, होली शुरू हुई है भगवान श्री कृष्ण के समय से, उससे पहले से ही हुई है, लेकिन बात करी जाए पिछले समय की और अब के समय की, यानी कि पहले के लोग कैसे होली मनाते थे, अब के लोग कैसे होली मनाते, कितना अंतर आ गया है? देखिए, जो पहले के समय की होली की हम बात करते हैं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न समय किया है। पिछले समय जो होली मनाते थे उसमें प्रेम सदैव झलकता था जी। आज के समय में होली तो देखते हैं खूब मस्ती होती है, खूब पैसा है लोगों के पास, खूब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जो प्रेम है वो धीरे धीरे अब कम हो गया, लेकिन पहले के समय प्रेम दुगना था जी। आपको याद होगा पहले के समय में जब लोग होली मनाते थे तो सुबह से ही जग के अपने घर में पूजा अर्चना करके घर के बाहर जैसे निकलते तो गांव के पूरा झुंड का झुंड एक साथ इकट्ठा होता था, अपने ढोलक मजीरे झांझ नगारे लेकर के होली में खूब गाते थे, मजाते थे। उस समय कोई साउंड की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती, लोग स्वयं होली गाते थे और उसके साथ नाचते थे, मस्ती करते। आजकल तो डीजे और साउंड जगह जगह जो इतना शोर मचाते हैं, अगर देखा जाए जितना ही ये प्रेम है उतना ही लोगों को कहीं ना कहीं तकलीफ भी देता है। पहले की होली की अपेक्षा बात करें तो वो सबसे बेस्ट थी, और आज भी अगर उसको बेस्ट बनानी है तो मैं चाहूंगा ये होली का त्योहार सभी आपसी प्रेम में बना करके रखें, अपने बड़ों के साथ छोटों के साथ में कोशिश करें ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे किसी को तकलीफ हो। क्यों? क्योंकि होली का त्योहार एक दूसरे को प्रेम बांटने का त्योहार है। कदाचित ऐसे रंगों का प्रयोग ना करें जिससे लोगों को तकलीफ बनी रहे। उसके उपरांत दूसरा कार्य, कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे बड़ों को दिक्कतें हो। आजकल चौराहों पे ऐसे ऐसे स्थानों पे इतना शोर मचाते हैं लोग, इतना डीजे तेज हो जाते हैं, ये कार्य कदाचित न किए, उसे ही स्मरण रखना चाहिए। हमारे आसपास में ऐसे लोग में शायद उन्हें तकलीफ हो, उसकी वजह से उन्हें कष्ट भी हो सकता है। त्योहार हमारा है तो हमें चाहिए अपनी मस्ती में रहना चाहिए, लेकिन किसी और की मस्ती जीवन में छीननी नहीं चाहिए, जिससे उससे सदा उससे भी खुशी हो, आपको भी खुशी हो। जी बिल्कुल, आपसे प्रेम बना रहे, सौहार्द बना रहे। आचार्य जी, लोग अपने रिश्तेदारों के जाते हैं होली के दिन, लोगों के घर मिलने जाते हैं, तो इसके पीछे की क्या वजह है और इससे लोगों के जीवन में कितना आपसी प्रेम बना रहता है? क्योंकि पहले के समय में लोग अपने रिश्तेदारों के जाते थे, जानने वालों के लोगों के घर जाते थे, लेकिन अब जाना आना बंद हो गया है, इसमें क्या? होली का त्योहार आपसी प्रेम बढ़ाता है, जैसे मैंने आपको बोला है। आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो सुबह के समय सब होली खेलते हैं मस्ती से जी। दिन के करीबन 2 बजे तक के होली का पावन पर्व चलता है, फिर 2 के बाद में लोग घर से निकलना प्रारंभ होता है, दूसरे के घर पे जाके मिलते हैं। मिलने का तात्पर्य कि निरंतर बहुत सी ऐसे कमियां रहती हैं जो लोग हर समय किसी के मन में किसी के प्रति संशय उत्पन्न रहता है, कोई किसी से वार्ता नहीं करते, लेकिन कहते हैं साल में 2 त्योहार सबसे बड़े, एक होली एक दिवाली, इस पे लोग एक दूसरे को मीठा खिला के आपसी प्रेम बढ़ाते हैं। तो उसी वजह से लोग एक दूसरे से सजाते हैं, मिलते हैं, गले मिलते हैं, उसके घर बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं। और बहुत से तो लोग ऐसे हैं आज के समय में जो 1 साल पुरानी बात को लेकर के होली के दिन खोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप ये समझे पुरानी बातों से कुछ मिलने वाला नहीं है। नए नए तरीके से हमें लोगों से मिलना चाहिए, बड़ों से प्रेम बढ़ाना चाहिए, आपसी गले मिलना चाहिए, अपने मन मुटाव को समाप्त करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए,
त्योहार तो सदैव हमें कुछ ना कुछ अच्छा सिखाता है और हम सभी अच्छे हैं, इसलिए निरंतर कुछ अच्छा अच्छा सीखते रहें। तो सभी गिले शिकवे दूर करने के लिए ये होली का पर्व बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर देखा जाए तो लोगों की तरक्की के लिए ये आने वाला पर्व, हम कहते हैं कि ये नया साल होता है हिंदू पंचांग के अनुसार, तो ये आने वाला नया साल कितना शुभ होने वाला है लोगों की तरक्की के लिए। अगर तरक्की की बात करें तो आप तो जैसा भी देख रहे हैं कि राम जी की कृपा के फलस्वरूप सरकार भी अपनी है, भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, तो राम जी के वहाँ पे भी अयोध्या का बड़ा सुंदर सजस मनाया जा रहा है, मथुरा वृंदावन में भी जश्न मनाया जा रहा है। उसके उपरांत तो जिस दिन से सरकार बनी हर गली हर मोहल्ले हर चौराहे पे मस्ती के साथ में होली का ही पर्व चल रहा है। जैसे कि अभी तक आप सुनते थे मथुरा वृंदावन की होली, अयोध्या की होली, इस बार पूरे भारतवर्ष की हर गली हर चौराहे हर नुक्कड़ पे होली का पर्व मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर प्रकार से आपसी प्रेम बढ़ाने वाली सरकार आई है, तो मैं ये चारों सारे भेदभाव को बुला करके खूब मस्ती के साथ में सभी को होली का पर्व अच्छे से मनाना चाहिए। किसी जात धर्म प्रथा को लेकर के कोई किसी पर चर्चा नहीं करे, सिर्फ एक ही बात करे कि हमारा और हमारा भारतीयों का एक त्यौहार है वो होली, उसे प्रेम पूर्वक मनाए, भाईचारे के साथ में मनाए, मस्ती के साथ में मनाए, इसी का सभी में कल्याण है। जी, तो नववर्ष में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कितना अच्छा रहने वाला है ये नववर्ष, ये होली? देखिए इस साल तो बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि देखिए अभी जैसे साल की शुरुआत तो त्योहारों के साथ में हो गई, अभी 15 दिन बाद जैसे ही समय बीतेगा चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होगा, तो नवरात्रि प्रारंभ होने के साथ में जिन लोगों के रुके हुए कार्य हैं उन सभी के कार्य पुनः प्रारंभ हो जाएंगे। अच्छे से राशियों की बात करें तो राशियों पे भी अच्छा अच्छा कार्य प्रारंभ हो जाएगा। अब किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ शास्त्रों की विधि के अनुसार होने वाली नहीं है, अब नहीं कोई आपदा आने वाली और ना ही कोई बीमारी आने वाली, बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जी, तो देश भी आगे बढ़ेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे। अगर बात करी जाए महिलाओं की, तो होली का त्योहार कितना अच्छा रहने वाला है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए तो हर त्योहार बहुत अच्छा है, हम जैसे जानते हैं कलरफुल कपड़े, कलरफुल जेवर, कलरफुल वस्तुएं, सबसे ज्यादा अगर इस त्योहार को मस्ती से कोई मनाता है तो छोटे बच्चे, महिलाएं, घर की माताएं, बहनें। क्यों? क्योंकि माताओं बहनों को एक अलग ही उमंग रहता है, व्यापारी तो व्यापार में लगा रहता है, बिजनेस वाला बिजनेस में, लेकिन जो माताएं बहनें वो निरंतर अपने त्योहार को बहुत मस्ती पूर्वक मनाती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे से चर्चा करती हैं, निरंतर चर्चा, रोज शाम को सुबह दोपहर होली आ रही, होली आ रही, हम माताएं इस त्योहार को ना बढ़ाए, इसी का त्योहार किसी भी त्योहार में तो समझ लिए हर त्योहार हमारा फीका रहता है, लेकिन माताएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती, इसलिए मस्ती बना ही। बिल्कुल, तो महिलाओं के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी होती है त्योहार की, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या करना चाहिए होली के दिन और होली की तैयारी में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए सबसे पहला ध्यान अगर महिलाओं की हम बात करते हैं तो महिलाओं को सबसे पहला किसी भी पुरानी बात को उस दिन बिल्कुल भी दिमाग में सोचेंगे नहीं, उस दिन एक ही ऊर्जा रखेंगे, वो है सकारात्मक ऊर्जा, जिसको कहते हैं पॉजिटिव ऊर्जा। हमें निरंतर उस दिन का त्योहार किसी प्रकार के, क्योंकि महिलाओं के दिमाग में एक फिजूल की जो कहते नहीं ये बात कहीं ना कहीं से चर्चा चलती, उस दिन सारी चीजों को भूल करके एक अच्छे चेहरे पे एक अच्छी मुस्कान रख करके अपने परिवार में, अपने बच्चे, अपने पति, अपने सास ससुर और जो भी परिवार में नए लोग हैं उन सभी का अच्छे से स्वागत करना है, अच्छे से उन्हें खिलाना पिलाना है और साथ में पूरा दिन मस्ती के साथ व्यतीत करना है। जो लोग घर पे आए उनसे किसी प्रकार की कोई फालतू चर्चा नहीं करनी है, किसी प्रकार की कोई संशय वाली बात नहीं करनी है, जिससे लोग आपके घर से मिल के तो जाए लेकिन रास्ते में जा करके वो आपके पिता अच्छा उदाहरण ना दे कि मैं यार गलत चला गया उसके घर पे, ये कार्य नहीं करना है। जो भी आपके घर है उससे प्रेम पूर्वक मिले, मस्ती के साथ में मिले और आनंद पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करें, सामने वाले के लिए भी कुछ अच्छा ही अच्छा करें। जी, अगर बात करी जाए व्यापारियों की, तो जैसा कि हमने देखा 2 साल से कोरोना था और उसका काफी प्रभाव पड़ा है व्यापारियों पे, ये साल कैसा रहने वाला है? वैसे तो आप सभी देख रहे हैं इस साल तो राम जी की विशेष कृपा हो रही, व्यापार भी अब बहुत अच्छे तरीके से चलने लगा, समाज में, सड़कों पे, मोहल्ले में, गलियों में सभी ने इस बार अपने व्यापार को बहुत अच्छे तरीके से सजाया है, अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया और निरंतर सड़कों पे इसमें काफ़ी भीड़ है और लोगों का व्यापार में कोई कमी इस बार आने वाली नहीं है। और सबसे बड़ी तो आप जानते हैं कि 2 साल से जो होली का पर्व मना रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोविड का, लेकिन इस बार कोविड की कोई भी ऐसी शंका नहीं बनी है, कोविड फ्री है, हम लोग सभी लोग मस्ती में, लेकिन मस्ती के साथ में ध्यान भी रखना है कि अभी कोविड पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है जी, इसलिए सभी को ध्यान रखना है और कोविड के सारे गाइडलाइन का पालन करना है जिससे हम सभी अपना कार्यक्रम बहुत अच्छे से मना सके मस्ती के साथ में। अब हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या जानकारी देना चाहेंगे होली से जुड़ी और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए होली खेलते समय? बिल्कुल, देखिए मानस समाज सेवा संस्थान में जितेंद्री जी महाराज आप सभी से एक विशेष चर्चा कर रहा हूँ। जो होली का जो पावन पर्व हम सभी मनाते हैं, इस पावन पर्व पे
प्रेम का ये त्यौहार है, इसमें प्रेम कहीं से भी कम ना होने दें। कम होने का सही तरीका आप सभी जानते हैं कि मन मुटाव यहाँ से समाप्त कर दें। हर दिन जीवन में कुछ नया करना है, नई उमंग लाना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 साल से कोविड का समय चल रहा, कोविड में हमने अपनों को कितने लोगों को खो दिया है। उन घरों में भी जाकर के जो आपके जानने वाले हैं, आपके मित्र हैं या आपके सखा मंडली, आपके मोहल्ले, उन घरों में भी जाकर के उन्हें मिठाइयाँ, उन्हें गुजिया पापड़, जो भी आपके पास व्यवस्था, उन्हें जाकर के उन्हें भी टीका लगाएं, उन्हें भी सांत्वना दें, उनके साथ भी आप होली मनाएं। साथ में गरीबों के लिए होली का त्यौहार, जितना हम अपने लिए त्यौहार मनाते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा हम गरीबों के लिए कुछ कर सकें। उन घरों में भी जाएं, उन गली चौराहे पे भी जाएं, हो सके हम किसी से ये नहीं कहते आप पैसा जाकर के दान करें, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उन लोगों को जाकर के मीठा फल मिष्ठान इत्यादि दे करके उनके साथ गले से मिले, उससे भी गले से लगाए, जिससे आप सभी का कल्याण सदैव बना रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। हमारे दर्शकों को आपने इतनी जानकारी दी, आशा करते हैं आप सभी को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और आपको पता भी चल गया होगा कि किन चीज़ों से बचना है, कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं, प्रेम का ये त्यौहार कहा जाता है, किन रंगों का चयन करना है जिससे आपके जीवन में खुशियाँ भरी रहे और किन बातों का ध्यान रखना है। आचार्य जी ने हमें ये तमाम जानकारियाँ दी हैं। प्राइम टीवी की टीम की तरफ से आप सभी को होली के पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस